हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बढ़िया सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, हम इसमें प्रोग्रेसिव डाई की बेस बनाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा चीज़ें डिस्कस करूंगा कि एक डाई बेस में क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या होता है। जैसे मेरा यहाँ पे डाई बेस है, तो यहाँ पे मेरा जो प्रिजे डाई बेस क्या है, प्रिजे 008 क्या है, प्रिजे 103 क्या है, इसमें आपको पता लग जाएगा। डीबी यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल सीरीज क्या क्या होता है, यहाँ पे आपको जैसे रेगुलर डाई होता है, स्ट्राइक डाई होता है, सुपर, इसमें क्या क्या स्टैंडर्ड होती है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम जो इंडेक्स होती है ये क्या होती है, कितना मिल जाती है, इसके स्टैंडर्ड क्या आती है, फ्लैग की थिकनेस क्या होना चाहिए, फ्लैग की स्प्रिंग कैसे लगाओगे, तो हर एक मैं सेशन का वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज का जो वीडियो होंगे मोल्ड बेस के ऊपर होने वाला है, तो इसमें हम सारा चीजें मोल्ड बेस जो है डिस्कस करने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप मेरे एक प्रोग्रेसिव डाई देख रहे हो, ऑलमोस्ट इसमें 80% कवर हो चुका है, इसका हम एनिमेशन भी करेंगे। तो यहाँ पे सारा चीजें यहाँ पे मेंशन है, जैसे मेरा यहाँ पे टॉप हाफ है और ये मेरा जैसे बॉटम हाफ है, तो इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा है। जैसे मेरा यहाँ पे डाई बेस है, यहाँ पे मेरा अपर प्लेट अलग है, लोअर प्लेट अलग है। तो मेरा यहाँ पे अपर प्लेट में क्या आएंगे, मेरा जैसे मेरा टॉप प्लेट है, यहाँ पे मेरा टॉप बैकिंग प्लेट है, इसको हम बोलते हैं टॉप बैकिंग प्लेट, जैसे आप यहाँ पे देखोगे। नेक्स्ट मेरा जो यहाँ मेरा पंच प्लेट आएंगे, यहाँ पे मेरा पंच आएंगे, फिर मैं आपको बॉटमिंग प्लेट आएंगे, उसके बाद जो मेरा स्टिपर चलेंगे, तो यहाँ पे स्टिपर चलेंगे, ये वाला स्टिपर प्लेट हो गई। उसके बाद जो मेरा लोअर प्लेट है, तो इसको मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। और अगर आपको प्रोग्रेसिव की पूरा सही है, यहाँ पे पंच भी बनाना सिखाऊँ, मैं आपको डाई भी सिखाऊँ, कैसे आपकी इस लिफ्टर चलता है, कैसे स्प्रिंग चलता है, इसके एनिमेशन सही है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। अगर वीडियो की रेस्पॉन्स सही आएंगे तो मैं और एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। जैसे यहाँ पर मेरा डाई प्लेट है ना, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डाई प्लेट है, या मेरा बॉटम बैकिंग प्लेट है, या बॉटम बैक प्लेट भी बोल सकते हो, या मेरा डाई शू है, या बॉटम प्लेट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग इंसर्ट है, इंसर्ट में मेरे पास क्या क्या आते हैं, पियर्सिंग आती है ना, तो यहाँ पे पियर्सिंग होना है, अदर्स में अपना पिलर सेट वगैरह आ जाती है, जो जो मेरा स्क्रू है यहाँ पे स्क्रू आती है, मैं कौन सी स्क्रू यूज करता हूँ, मैं मिशुमी का यहाँ पे स्क्रू यूज करता हूँ, क्या स्टैंडर्ड होते हैं, यहाँ पे मेरा डबल आता है, हम डबल क्यों यूज करते हैं, आपको बहुत लोगों को पता नहीं होगा क्यों हम अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। फिर मेरे पास आपको आते गाइड बूस आ जाती है, यहाँ पे मेरा गाइड बूस हो गई, आपका जो गाइड बुश की जो आपके बुशिंग आती है वो अलग चीज हो गई, गाइड पोस्ट आ जाएगा, आपका एस बोल्ट आ जाएंगे, एस बोल्ट क्या होता है, हम ऊपर से इसको क्यों कर रहा है, इसमें क्या फायदा होती है, वो हर एक चीजें आपको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपका रिलीफ है, तो बेसिकली रिलीफ क्यों डालते हैं, कहाँ कहाँ रिलीफ का जरूरत पड़ता है, ठीक है। स्टॉप पिन क्या होता है, मैं कहाँ कहाँ स्टॉप पिन लगा रहा हूँ, क्या काम आता है मेरा स्टॉप पिन का, ठीक है। अडर्स में मेरा जैसे यहाँ स्टैंडर्ड आता है, तो इसमें हम अडर्स लेते हैं, जो मेरा पार्ट है शीट मेटल की, जो मेरा ब्लैंक है, रिलीफ है, स्लाग होल है, कहाँ कहाँ स्लाग होल आएंगे, क्या काम करता है स्लाग होल का, तो सारा चीजें जो है इसमें हम जो है डिस्कस करने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जो लोग नया नया जुड़े हैं इस चैनल पे, जो लोग नया नया इस चैनल पे आए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियो बनाते रहता हूँ। आज का जो वीडियो होने वाला है, अभी जो मेरा सीरीज चल रहा है, डाई सीरीज चल रहा है, फिर मेरा मोल्ड सीरीज भी है, फिर मेरा सीएनसी वाली है, प्रोडक्ट डिजाइन भी है, तो एक एक सीरीज है। जो सीरीज में मेरे को सही रेस्पॉन्स मिलेंगे, तो उस सीरीज में मैं ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, लोगों के सामने ज्यादा वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है। और जो लोग को भी क्लासेस वगैरह सही है, जो भी लोग को भी और एडवांस सीखना है, वो कॉन्टेक्ट कर सकता है, मेरा ऑलरेडी नंबर मेंशन है, वहां पे कॉन्टेक्ट करें। तो आज का जो वीडियो होंगे मोल्ड बेस के ऊपर, चलिए स्टार्ट करते हैं मोल्ड बेस कैसे बनाते हैं। अब मेरा इसकी डाई बेस बनानी है, अब ध्यान से सुनना है, अभी इंपॉर्टेंट चीज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाई बेस का आएंगे, डाई बेस में क्या हुआ, देखो डाई बेस में मैं यहाँ पे जो पीजेसी डाई 121 है, एक है आपका, दो अलग अलग है, तो एक है डाई 22 है, तो हम जो है पीडीसी डाई 21 में ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 5 प्लेट ले रहा हूँ, और यहाँ पे डीबी यूनिवर्सल ले रहा हूँ, यूनिवर्सल 2, यूनिवर्सल 3, आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, स्टार सही है या सुपर एयर का सही है, मैं इसमें यूनिवर्सल ले रहा हूँ, ज्यादा बहुत ज्यादा यूज होता है, कौन सी यूनिवर्सल 1, और यहाँ पे 5 प्लेट, ज्यादा प्लेट लेके कुछ नहीं है, खर्चा ज्यादा बढ़ेंगे और कुछ नहीं है। डिस्टेंस टू डाई बेस, ये जो डिस्टेंस टू डाई बेस है ना, ये आप जो है इसको कम ज्यादा करना पड़ेगा, अभी ये होता क्या मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जाके इसके पॉइंट देखना है, ठीक है, मेरा पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ के बाद जो है इसको मैं कर लूंगा 3020, अभी होता क्या है आपको समझ में आएंगे, अभी मैं इसकी सारा वैल्यू डालूंगा, ठीक है। क्लोज वन, क्लोज वन रहेगा हमेशा, गैप, ठीक है। एस टी, देखो एस टी क्या होता है, एस टी होता है इसकी गैप, एस टी 8 के जगह मैं इसको एस टी 18 कर दूंगा मैं, ठीक है, मतलब कितना ओपनिंग होगा, मतलब कितना दूर तक जाएगा ये चलने के लिए, तो मैं इसको जो है एस टी 18 कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका ऑप्शन आती है
TH, TH क्या होगी, टोटल प्लेट, टोटल प्लेट का TH 50 mm सफिशियंट है इस स्पेस के लिए। फिर आपका आता है PPH, PPH जो है 25 के अराउंड होना चाहिए, तो मैं इसको 25 कर दूंगा। SP8 भी 20 होना चाहिए, SP8 मतलब इस प्लेट का हाइट है, ठीक है, जो आपकी इस्तीफा चलने वाला है। उसके बाद जो आपके DP आएंगे, मतलब DP हाइट जो है नीचे आपकी जो प्लेट है ये भी 25 होना चाहिए, बाकी 50 एज इट इज है। अब आता है आपकी PL, इतना आपको ये रखना है मेंटेन, ठीक है, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन नहीं करना है। नेक्स्ट आता है आपकी PL, PL बोले तो क्या लेंथ है, PL बोले तो मेरा लेंथ जो है, मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, मेजर में जाना है आपको, मेजर में मिल जाएंगे टूल, यहाँ से कहाँ तक, PL मतलब ये लेंथ है ना, तो ये लेंथ होगा मेरा यहाँ से इस पॉइंट तक 472, मतलब मान लो 480, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे 480, ठीक है 480 कर दिया। और यहाँ पे इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ कैसे मेजर करना पड़ेगा, इसकी लेंथ में बता देता हूँ, इसका लेंथ आपको निकालना है, ये जो आपने लाइन लिया है ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब 60 mm, तो आपको क्या करना है यहाँ पे PW 60 mm का रखना है। गैप वन DX1, देखो DX1 कितना है, DX1 जो हम 20 mm रखेंगे, इसको मैं बाद में मैं देखूंगा मोल्ड बेस बनने के बाद में कम ज्यादा कर भी सकता हूँ। DY1 थोड़ा ज्यादा चाहिए, 90 mm ज्यादा है, 70 mm रख दो, ठीक है 70 mm, और DX2 भी सेम रहेगा 70 mm, बाकी TBH होल जीरो, अगर आपको ये कम ज्यादा करना है TBP वगैरह तो आप कर सकते हो, तो बस इसमें जरूरत नहीं है लगाने के लिए। तो हम जो है इसको सिंपली अप्लाई कर देते हैं, जैसे हम इसको अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली मोल बेस जनरेट होने लग गया है। अब मैं इस मोल बेस की चेक करूंगा, मेरा मोल बेस जो बना हुआ है सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा मोल बेस बना है वो सही बना है कि नहीं बना है, कैसे पता लग जाएगा मेरे को, यहाँ पे जाके मैं इसको वाई फ्रेम करूंगा। पहले देखो, एक तो मेरा यहाँ पे गलत बन गया है इस जगह में, क्योंकि ये आगे निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे खत्म नहीं हो सकता ना, फाइनल पॉइंट्स तो यहाँ चलेंगे, लगभग मेरे को यहाँ पे 20 से 25 mm चाहिए, इसको कैसे कर सकता हूँ, मेरे को ये बनाना पड़ेगा, इसको मैं कर दूंगा 500 का। जब जैसे मैं 500 करूंगा, यहाँ पे डाई बेस को सिलेक्ट करना जरूरी है, तो 500 करूंगा तो ये बढ़ जाएगा, मतलब 20 mm मेरे को मिल गया, तो यहाँ पे फाइनल पंचिंग के लिए मेरे पास जगह मिल गया। अब नेक्स्ट चीज, ये बहुत कम है GW, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये मेरा क्या था, ये मेरा था आपका PW, तो PW वैल्यू जो है मैं इसको ले लूंगा 100 के आसपास। अब PW मेरे को बड़ा सही है भाई, क्योंकि PW में बहुत काम होने वाला है और यहाँ पे बेस आने वाला है, तो यहाँ पे 100 की जगह मैं 110 भी रख सकता हूँ, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बड़ा बोल्टिंग भी होगा, अगर मेरा नजदीक होगा तो यहाँ पे प्लेट में इसमें बोल्ट हो सकता है ना, तो इसमें थोड़ा सा एटलीस्ट 770 mm रखा करो, 770 mm आप रखो, और यहाँ पे जो है आपकी हुआ आएंगी। अब देखो मेरा कितना बड़ा बन रहा है, अगर मेरे पास यहाँ पे देखो, मैं कुछ कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा इस जगह से इस पॉइंट तक मेरा जो है 250 है, तो अप्रोक्सीमेटली 28 से लेकर 30 का तो मेरे को प्लस सेट लगाना पड़ेगा ना, तो मेरा बोले ठीक है, मैं 30 mm का या 22 mm का 28 mm का मैं प्लस सेट वगैरह लगाऊंगा, तो इस हिसाब से मेरा ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे देखूंगा तो ये भी ठीक है मेरा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मेरे को यहाँ से देखना है मैं इसकी गैप बढ़ा सकता हूँ या नहीं। अब जो मैं बना रहा हूँ ये, मैं अपना स्टैंडर्ड बना रहा हूँ, मतलब जो यूनिवर्सल का आता है ना वो लगा रहा हूँ 70 mm, तो मेरे को लगाना कितना है 30 mm अराउंड, तो 30 mm हो गई, उसके साथ मान लो 20 mm एक्स्ट्रा हो गई, तो 50 mm हो गई, 10 10 इधर वो 10 हो गई, इधर 10 mm हो गई उसको बोल्टिंग के लिए, तो हो गया मेरा 40 mm, तो मेरे पास जगह बहुत है, तो इसको मैं कम कर सकता हूँ, है ना, इसको मैं कम कर सकता हूँ, तो ये वाला प्लेट जो है मैं थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। तो कम किसको करना है आपको, अब ये हट गया है आपको, इसको अगर शो करना है तो यहाँ पे जो आपकी प्लेट है इसको आपको बनाना है, मैं इसको जो है DY1 70 mm है ना, इसको मैं 60 mm कर देता हूँ, 60 mm कर देता हूँ, तो ये कम हो जाएगा थोड़ा सा। अब ठीक है, अब जो आपकी डाई है ये ठीक है, या नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे ये मैंने 60 ले लिया, इसको मैं 70 ले लेता हूँ, तो यहाँ की लेंथ कम है, और ये वाली जो लेंथ है इसको मैं बढ़ा देता हूँ, मतलब मेरा जो PW है इसको मैं 130 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने बोल्टिंग के लिए अलग से जगह मिल जाएगी, सारा पिन होंगे, नट बोल्ट वगैरह इधर होंगे, रिलीफ वगैरह देना पड़ेगा, तो इसमें अच्छा स्पेस चाहिए। तो इसमें हमने कितना स्पेस दे दिया, अप्रोक्सी मेरा 60 का था, तो अभी 130 हो गई, तो कितना हो गया मेरा 60, इधर हो गए 40, 70 mm, मतलब 30 by 35 mm काफ़ी है, या 40, 40-45 तो रखना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से काफ़ी है, अगर हमको बाद में साइज बड़ा करना पड़े बोल्टिंग के अकॉर्डिंग, तो मैं उसको इसको बड़ा कर दूंगा, तो मैं देख लूंगा मेरे को कितना छोटा करना है या मेरे को कितना बड़ा करना है, तो उसके अकॉर्डिंग देखना है। मेटल में कभी कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो पंच प्लेट होगा, जो मेरा डाई होंगे, जो मेरा पंच होंगे, इसमें मैं हमेशा हार्डनिंग कराऊंगा, ताकि मैं इसमें HCR लगाऊंगा, बाकी जो है मैं EN31 का लगाऊंगा। मैं इसकी एक आपको बोम वगैरह शेयर कर दूंगा, आपको कैसे इसकी वो सेट करना है, क्या करना है, इसके लिए मैं आपको अलग से एक बोम दे दूंगा। और बाकी देखो आप, आपके अकॉर्डिंग बाकी सही है कि नहीं, तो कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हो, मेरा बेसिकली यहाँ से ऑपरेशन हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपको इसको कम ज़्यादा करना है, मतलब अभी पीछे करना है, जैसे मेरा यहाँ पे मैंने बताया था 86 point, इसको मैं सी कर देता हूँ, मतलब कॉपी कर लिया है ना, अब यहाँ पे कितना है 86 point something है, तो इसको -70 अगर मैं कर दूँ तो क्या होता है, अगर इसको -70 करूँगा ना, तो डाई वेस्ट जो है पीछे थकल देगा, ठीक है। अगर इसको मैं -60 करता हूँ, अभी आप समझ में आ गया ना डाई बेस को आगे पीछे कैसे करना है, तो इसी तरीके से इसको डाई बेस को आगे पीछे कर सकते हो, इसके आप मेटल भी सेव कर सकते हो इसको, है ना। तो इसको मैं अगर -55 कर दूंगा, क्योंकि मेरा ऑपरेशन इधर से होने वाला है, -55 करके डाई बेस को आगे पीछे कर सकते हो। और जैसे मैंने यहाँ पे लगभग 25 mm मैंने सेव कर लिया, तो मैं यहाँ पे जैसे 500 है, इसको मैं क्या कर दूंगा 480 कर दूंगा, तो ये भी पीछे हो जाएंगे आपका, देखो ये भी पीछे हो गया आपका। और मैं थोड़ा सा अगर बढ़ाना है तो और भी बढ़ा सकते हो आप, तो आपके पास ऑप्शन है, तो अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको कम ज़्यादा करूँ, अभी जो ये -45 पे इस पॉइंट से है, मतलब ये पॉइंट फिक्स है, तो इसी पॉइंट से जो है आपका आगे पीछे हो रहा है, तो इसको मैं -30 अगर करके देखो, ठीक है, इतना हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, इतना हिसाब से आपका ओके है, यहाँ पे पीस आराम से कट हो जाएंगे, यहाँ से पीस आपका आराम से निकल जाएंगे। और मैं यहाँ क्या करूँगा, जो मेरा फाइनल पीस है यहाँ पे, यहाँ से मेरा जो कटिंग होने के बाद ये मेरा पीस निकलने वाला है, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है पीछे कर दूंगा, 460 कर दूंगा इसको मैं, ठीक है, 460 भी ज्यादा लग रहा है, तो इसको मैं 450, क्योंकि ये पीस ड्रॉप होने वाला है नीचे, यहाँ पे हम थोड़ा सा एंगल बनाना चाहते हैं जिससे पीस निकल जाए, आराम से कट हो जाए। तो इसी तरीके से जो है आपको जो डाई बेस है आपको बनाना है, तो कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप पूछ सकते हो कैसे आपको डाई बेस सेट करना है, ये तरीका प्रॉपर होता है, इस तरीके से आप बना सकते हो। कभी कभी आपको पीस के अकॉर्डिंग चेंज भी करना पड़ता है, तो जो भी अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो, इस तरीके से आपको बनाना है, आपको आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, आपको समझ में आ गया है, मैं समझ गया। तो ये मेरा सारा चीज़ें है, अगर आपको इसमें हाइट वगैरह मेंटेन करना है, देखो यहाँ पे मेरा जो प्लेट की थिकनेस है, तो यहाँ पे प्लेट की थिकनेस भी, अगर चंपर वगैरह भी हो गया है ना, तो अगर आपको इसी तरीके से करना है तो आप कर सकते हो। अब दूसरी ऑप्शन होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे मैं जैसे बोल्टिंग वगैरह लगाऊंगा, सारा स्टैंडर्ड पार्ट मैं यहाँ से करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लाइब्रेरी डाल रखा है, आपको मिलेंगे नहीं है, तो यहाँ से भी आप डाल सकते हो। अगर आपको मेरे को इसकी कॉन्सेप्ट डिजाइन हो गई, अब इसकी जैसे मेरा व्यू मैनेजर हो गई, व्यू मैनेजर में मैंने आपको जैसे बताया था मेरे को टॉप हाफ है, टॉप हाफ में मेरा क्या आ गई, टॉप हाफ हो गई, और ये मेरा बॉटम हाफ हो गई। स्ट्रिप लेआउट मेरा कौन सी होगी, ये मेरा स्ट्रिप लेआउट होगी, मैं आपको समझने के लिए सारा चीज समझा रहा हूँ। सिमुलेशन, अभी यहाँ पे देखो सिमुलेशन कौन सी चीज़ होगा, ये वाली चीज़ें सिमुलेशन होगी। डाई बेस मेरा पूरा डाई बेस हो गई, डाई बेस में क्या शीट मेटल पार्ट हो गई मेरा, इसकी ब्लैंक हो गई, प्रोसेस में क्या आएगा, ब्लैंक लेआउट में क्या होगा, रिलीफ में क्या होगा, स्लैग होल में क्या होगा, तो सारा चीज़ें जो है इसमें आती है, तो आपको पता होना चाहिए मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, मेरे को कौन सी या लगाना है, क्या क्या चीज़ें आएंगी डिटेल में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आइसोलेट क्या है, फ्रोजन क्या है, ओपन क्या है, तो सारा चीज़ें यहाँ पे स्टेटस आप चेक कर सकते हो। अगर किसी चीज को जैसे मेरा ये बोल्ट है, इसको एक्टिव करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको इसको हटाना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करके अगर इसमें काम करना है, जैसे मेरा अभी मैंने होल वगैरह करना है, तो इससे पहले मैं इसमें ना शैम्फर वगैरह लगा लूंगा, इसको एक्टिव कर लेना है, एक्टिव करने के बाद इसको जो है सारा में शैम्फर लगाना है, तो मैं यहाँ पे 2 mm का शैम्फर लगाऊंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे 50 का प्लेट है, यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट करना पड़ेगा मेरे को, तो यहाँ जो है, क्योंकि ये पहले कर लोगे तो ना आपके लिए अच्छा है, ऑलरेडी चैम्फर करना पड़ेगा, साइड में चैम्फर लगा रखा है इसमें, तो हम जो है इसमें 2 mm की चैम्फर लगाएंगे। सिमिलरली मैं नीचे भी लगाऊंगा, क्योंकि एक साइड लगा रखा है, तो
तो ये चेम्पर कर लेना आप, पहले कर लेना, क्योंकि डाई बेस लगाने के बाद थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। दिक्कत ऐसे कुछ नहीं है, रेफरेंस में प्रॉब्लम आती है, तो रेफरेंस वगैरह ना अच्छा हो तो नेक्स्ट डेज हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे ये वाला पोर्शन भी कर देंगे हम चेम्पर। ठीक है, तो ये भी हो गई। अब जितना भी प्लेट है सारा एक प्लेट को करना है, मैं पहले कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने सारे प्लेट में चेम्पर कर लिया है, अगर आपको सारा प्लेट को एक्टिव करना है तो यहाँ पे जाके इसको एक्टिव कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आपकी चीजें आएंगे ऑटोमेटिकली आपका एक्टिवेटर आएंगे। तो यहाँ पे चेम्पर करने से बहुत फायदा है, आपको पता होंगे। बाद में अगर नहीं भी करोगे तो टूल रूम वाले करते हैं, और अगर करके दोगे तो आपके लिए फायदे हैं। तो इसी तरीके से जो है हम लेआउट बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम कैसे वोल करना है, क्या करना है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा सारा। आपके नेक्स्ट क्लासेस में हम जो है क्या क्या आएंगे, नेक्स्ट क्लासेस में जो आपको आएंगे इसकी हम जो है पेंडिंग पंच बनाएंगे। ठीक है, डाई प्लेट बनाएंगे, इसमें कैसे होल बनानी है, पंचिंग कैसे करना है, बोल्टिंग कैसे करना है, स्प्रिंग क्या होंगे, लिफ्टर कैसे लगाएंगे, पायलोटिंग पिन कैसे चलेगा, इसके एनिमेशन कैसे होंगे, इसके ड्राफ्टिंग कैसे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये प्लॉट ऐसा ही है, बट यहाँ पे हम स्लॉट काट देंगे फाइनल में, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे काटना है। तो अभी बहुत कम बाकी है, अभी अराउंड 45% काम हुआ है, और बाकी जो 45% काम होने वाला है लगभग अभी और एक घंटे का वीडियो बाकी है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इसी तरीके से वीडियो में बनाते रहता हूँ। जिसको भी पेड क्लासेस वगैरह चाहिए वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। बेसिकली इस वीडियो में आपको मोल्ड बेस बनाना सिखाया, अभी मैं नेक्स्ट आपको जो है इसकी डाई इंसर्ट बनाना, इसकी पंच बनाना, इसकी डाई प्लेट वगैरह के ऊपर काम करना, बोल्टिंग कैसे करवाओगे, इसकी स्प्रिंग वगैरह कैसे लगाओगे, पिलर सेट कैसे डिसाइड करोगे, तो इस वीडियो में ऊपर आएंगे। जैसे इसके अगर बड़ा भी मोल होंगे तो इसको हम मोल को स्प्लिट कैसे करेंगे, दो सेक्शन में हम कैसे काम करते हैं, तो सारा चीज़ें जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो को रेस्पॉन्स सही मिलेंगे तो एक वीडियो और बनाऊंगा मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सब जो चीज़ें हैं जो थोड़ी छोटी छोटी सी है एक वीडियो में खत्म हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, डिपेंड करेगा इस वीडियो के रेस्पॉन्स के ऊपर। तो ऑलरेडी मेरा जो वीडियो है अलग अलग टाइप का वीडियो वगैरह बनाते रहता हूँ, अभी जो है डाई सीरीज खत्म हो जाएंगे कुछ दिन में, तो फिर जो है मैं सीएनसी में आ जाऊंगा। तो जिस लोग को भी कुछ डाउट वगैरह है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो लोग का भी लाइब्रेरी वगैरह सही है या फाइल सही है अपना मेल आईडी डाल दो। मैं यूट्यूब में कुछ चीज़ें ऐसे नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो होती है कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा होती है वो शेयर नहीं कर पाता हूँ। तो आप मेल आईडी वगैरह डाल सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपना अपना रिव्यू डाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।